हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कनिका। थैंक्स टू वाचिंग माय अनदर वीडियोस आल्सो। आज मैं आई हूँ मामा यादव रुद्र शिवा के ढाबे पे। आप जब भी यहाँ से निकले तो प्लीज़ इनका खाना ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, विच इज़ सो यमी। भूख से बेहाल, अच्छा खाने की तलाश में हम रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते हम फाइनली पहुँचे रुद्रा शिवा ढाबा मामा यादव जी के यहाँ पर। यह रेस्टोरेंट न्यू बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है, खाना भी इसका बहुत यमी है। आइए चलिए आपको इनका टूर कराते हैं। यहाँ पे बाहर इनके स्टॉल्स हैं, आइसक्रीम, गोलगप्पे, टिक्की वगैरह सब आउटसाइड में है। अगर आप अंदर बैठ के भी ऑर्डर करेंगे तो भी अवेलेबल होगा। आदित्य मस्ती करता हुआ कि मुझे भी वीडियो बनानी है, मुझे भी मस्ती करनी है, मेरी फ़ोटो खींचो, मेरी वीडियो बनाओ करते हुए इसने यहाँ पे खूब मस्ती करी। अब हमने रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री ली, देन हमने अपना मील ऑर्डर करा। वहाँ का वॉशरूम है जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था और बड़ा ही सुपर बना हुआ था। एंड हम पहुँचे गोलगप्पे खाने, तो पता लगा यहाँ पे 10 बजे तक लास्ट गोलगप्पे अवेलेबल होते हैं। ये सब लोग पॉइंट अप कर रहे थे। देन मैंने इनके यहाँ का पानी टेस्ट करा, बहुत ही यम्मी था, बहुत ही खट्टा चटपटा सा था। मैं मीठा पानी थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, मुझे मीठा थोड़ा कम पसंद आता है गोलगप्पे में, तो मैंने इनसे खट्टा वाला पानी लिया जो कि पी के मज़ा आ गया। बहुत ही चटपटा था, बट सो सैड कि मुझे गोलगप्पे नहीं मिले क्योंकि टाइम इनका ओवर हो गया था। देन ये चॉकलेट फाउंटेन मुझे बहुत अच्छा लगा, बट यहाँ पे भी कोई अवेलेबल नहीं था बिकॉज काफ़ी लेट हो गया था इस वजह से। इसी रेस्टोरेंट में एक साइट में एक काउंटर और भी था, बेकर्स एंड कैफ़े वाला। आप यहाँ पे इटालियन भी ऑर्डर कर सकते हैं, लाइक पास्ता, पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड, पेस्ट्री, केक एक्सेट्रा। यहाँ पे इसके लिए सेल्फ सर्विस थी, बाकी सारा मील आपको ऑन टेबल प्रोवाइड होगा, बट इसके लिए आपको खुद उठ के जाना पड़ेगा और ऑर्डर करना पड़ेगा। देन हमने ये शिव परिवार जी की फ़ोटो देखी जिसमें शिव जी जी, पार्वती जी, गणेश जी एंड कार्तिकेय जी थे। इनको हमने प्रणाम करा और देन अपना मील हमने स्टार्ट करा। मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे नॉर्थ इंडियन थाली जिसमें दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, मटर पुलाव, दही और एक लच्छा परांठा, एक नान सैलेड प्लस मीठा था। सारा खाना बहुत यमी था, मतलब पता लग रहा था कि बिल्कुल फ्रेश बना हुआ खाना है। जनरली इतना फ्रेश खाना हमें कहीं नहीं मिलता है और बिल भी ज़्यादा नहीं, हम तीन लोगों के हिसाब से 420 रुपीज़ आया, विच इज़ सो रीज़नेबल। थैंक यू।